प्रशांत सावंत साहब, गुड मॉर्निंग, टॉप कॉल। जी आशीष जी, अनुज जी, हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों, नमस्कार। तो सबसे पहले एक चीज जो अहम होगी कि पोजीशन कम रखें, कैश में रखें। और मैंने एक चीज बेसिक ट्रैक किया, बेसिक टेक्निकल्स पे, कि कल की जो लो बनी है वो प्रीवियस स्विंग लो के अंदर किसमें थी। तो मुझे वहां पे एशियन पेंट्स का पैटर्न काफी अच्छा लगा, क्योंकि बाकी सारे लो स्विंग लो को तोड़ के फिर ऊपर क्लोज। तो एशियन पेंट्स में मैं बाय करना चाहूंगा 2825-35, जस्ट थोड़ा कूल डाउन हो जाए वहां पे बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2770, जो कल के लो के जस्ट नीचे है। और यहाँ से टारगेट पोजिशनली मुझे 3000 का मिनिमम लग रहा है, जो एक स्विंग आए और 3000 के ऊपर भी जा सकता है, बट फिलहाल 3000 का टारगेट और 2770 का स्टॉप लॉस मान के चले। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त? जी, गुड मॉर्निंग। एस्कॉर्ट्स में मुझे एक वीकनेस नजर आ रहा है और ऑलमोस्ट 3800 पे था जब मैंने स्पॉट किया था। स्टॉप लॉस वही रखेंगे डे हाई के ऊपर, जो होगा 3870-3870। टारगेट मुझे लग रहा है कि ये 3600 से लेके 3550 के जोन को टेस्ट कर सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, सो एस्कॉर्ट में सेल की राय होगी। प्रशांत बताइए आपने अपने ट्रेड। यहाँ पे एक लैंडमार्क मुझे काफी डिसेंट लग रहा है, एक अच्छे लेवल पे नजर आ रहा है। और यहाँ पे एक छोटी सी रिस्क लेनी चाहिए, मुझे लग रहा है लैंडमार्क की जो 1160 की कॉल ऑप्शन 46-47 आसपास ट्रेड कर रही है, इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस जस्ट आज के ओपनिंग के नीचे रखें 37-38 के जोन में। यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए 65-70। टारगेट से ज्यादा स्टॉप लॉस सिस्टम में रखें, मुझे लग रहा है मोमेंटम है, टारगेट हिट होने के भी चांसेस काफी है। प्रशांत जी, आपके ट्रेड्स? वीरू जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दो अपडेट्स होंगे। सबसे पहले जो मेरा टॉप कॉल था एशियन पेंट्स, ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है, 3000 के नजदीक हाई बन चुका है, उसको ट्रेल करना चाहिए, स्टॉप लॉस आना चाहिए 2960 पे। और दूसरा जो सस्ता ऑप्शन ग्लेनमार्क का मैंने दिया था, वो भी ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक, 65 का टारगेट था, 61 का हाई बना चुका है, वहां पे भी ट्रेल करके जो स्टॉप लॉस आपका होगा वो 50 के आसपास लाइए, आपके दोनों ही पोजीशन सेफ हो जाएंगे। जहां तक अभी के ट्रेड्स की बात है, तो फर्स्ट मुझे दीपक नाइट्रेट में थोड़ा एक वीक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 2225, टारगेट होगा 2025 का। और मिड कैप आईटी एफएसएस में मुझे एक अच्छा बेस बना हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ बाइंग की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 2270-2270 पे और टारगेट होगा 2425-2430 का।